तो आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है। आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। आज व्रती महिलाएं पूरे दिन निर्जला यानी कि बिना पानी के उपवास रखेंगी। ठेकुआ मिठाई फल फूल तैयार करके बांस की टोकरी में सजाया जाएगा। आज शाम करीब 4 बजे तक महिलाएं अपने परिवार संग बांस की टोकरी और पूजा के सामान को साथ लेकर पैदल चलते हुए घाटों नदी तालाबों और कुंडों पर पहुंचेंगी और उसके बाद छठ माता का चौरा बनाकर दीप जलाया जाएगा। कुछ देर पूजा पाठ के बाद जब सूर्यास्त का समय आने पर महिलाएं प्रसाद वाला सूप लेकर पानी में उतरेंगी और परिवार के लोग पीतल या फिर तांबे के पात्र से जल लेकर सूरज देवता के सामने सूप पर अर्घ देंगे। महिलाएं डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ देकर 5 बार परिक्रमा करेंगी और तीसरे दिन की पूजा संपन्न हो जाएगी। तो आज छठ की धूम देखने को मिल रही है और देखिए दुबई में भी धूमधाम से छठ पर्व मनाया जा रहा है। दुबई में पूरे नियम के साथ छठ व्रतियों ने खरना का प्रसाद बनाया। आज शाम को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और कल सुबह उगते सूर्य को भी अर्घ दिया जाएगा। देखिए समंदर पार हिंदुस्तान की महिलाएं कैसे अपनी संस्कृति को संजो कर रखी है, पूरे विधि विधान से इस पर्व को मनाया जा रहा है। छठ पर्व की हर विधि का पालन कर रही है और भले ही देखिए अपने गांव घर से दूर हैं लेकिन छठ पर्व से अपने जड़ से जुड़ी हुई है। ये तस्वीरें देखिए दुबई अपने देश से दूर भी दुबई में किस तरीके से इस महापर्व की रौनक है और महिलाएं कैसे पूरे विधि विधान से अपने इस महापर्व को मना रही हैं उसकी तस्वीरें आप देखिए। लोक आस्था का महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है और पूरे विधि विधान से कैसे छठ की पूजा की जाती है ये भी आप देख सकते हैं। जो व्रती महिलाएं हैं कैसे इस पर्व को पूरे धूमधाम से विधि विधान से मना रही है। लोक आस्था का महापर्व माना जाता है छठ, जिसकी धूम दुबई तक देखने को मिली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।